क्लास 9 लेक्चर 6 ऑफ द मिस्ट्री फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 पोलर एंड नॉन पोलर कावलन बांड। यानी कि हमने आज पढ़ना है कावलन बांड कब पोलर और नॉन पोलर होता है। केमिस्ट्री में पोलर का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में पोलर या नॉन पोलर ये इंडिकेट करता है कि किसी भी कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम कावलन बांड हमने पहले पढ़ा है, कावलन बांड होती हैं ऐसे बॉन्ड जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर शेयर, जिसमें इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। सबसे पहले हम नॉन पोलर कावलन बॉन्ड की डेफिनेशन करते हैं। यानी कि कावलन बॉन्ड नॉन पोलर मीन उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव साइन जिसमें नहीं होंगे, तो उसे उसकी हम डेफिनेशन करते हैं। कावलन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सिमिलर एटम्स होमो एटम्स शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय बोथ एटम्स इक्वली। तो हमने इस डेफिनेशन क्या बात की है, सबसे पहले कावलन बॉन्ड ऐसे एटम्स के दरमियान बनेगा जो सिमिलर एटम हो, यानी कि होमो एटम्स। सिमिलर मीन होमो एटम्स हो। दूसरी बात, जब सिमिलर एटम्स होंगे तो उनके दरमियान जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो इक्वली अट्रैक्टेड बाय बोथ एटम, यानी बोथ एटम्स से इक्वली अट्रैक्ट करेंगे। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड प्योर कावलन बॉन्ड। जब शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एटम इक्वली अट्रैक्ट करेंगे तो उस एटम्स के ऊपर कोई चार्ज शो नहीं होगा, ना पॉजिटिव या नेगेटिव। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन पोलर कावलन बॉन्ड। इसकी एग्जांपल क्या है, H2 एंड Cl2। अब ये देखिए H2 की आपने एग्जांपल कितनी दफ़ा की हुई है, हाइड्रोजन ने दोनों ने इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया हुआ है, दोनों हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन सेंटर में दोनों के इक्वल डिस्टेंस पे होगा। क्लोरीन में भी ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ हुआ है, क्लोरीन दोनों तरफ क्लोरीन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए अट्रैक्शन भी दोनों की क्या होगी, सेम। नेक्स्ट है हमारे पास पोलर कावलन बॉन्ड, यानी कि ऐसा कावलन बॉन्ड जिसके ऊपर पोल्स बनेंगे, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन जिसके ऊपर शो होंगे। अब इसकी डेफिनेशन हम क्या करेंगे, दूसरी वाली नॉन पोलर कावलन बॉन्ड का इसकी ऑपोजिट डेफिनेशन आएगी। कावलन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम, हमने पीछे किया था सिमिलर एटम, डिफरेंट एटम को कहेंगे हेट्रो एटम। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी, वर्ड यूज हो रहा है नॉट बी अट्रैक्टेड इक्वली, पीछे हमने यूज़ किया था कि इक्वली अट्रैक्टेड बाई बोथ एटम्स। अब इसका मतलब क्या है, दो बात यहाँ भी डिस्कस हो रही है। पहली बात कि हमारे पास डिफरेंट एटम्स हैं, सेकेंड के जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है विल नॉट बी अट्रैक्टेड इक्वली। इसकी बात का मतलब क्या होगा कि दोनों एटम जब डिफरेंट होंगे, दोनों एटम्स की इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन डिफरेंट होगी, एक एटम इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और दूसरा एटम की इतनी अट्रैक्शन नहीं होगी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जो एटम वन एटम अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर मोर स्ट्रॉन्गली इट हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपने थर्ड चैप्टर में टॉपिक ये डिस्कस डिटेल से किया हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो कह रही है जो एक एटम है इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा, इस मीन कि उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन उसकी क्या है, ज़्यादा है। अच्छा, इसकी एग्जांपल से हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दो डिफरेंट एटम हैं, हम इसके कहेंगे हेट्रो एटम, ठीक है। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के 7 है, दोनों ने पेयर अप होके क्या बना दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है। अब इधर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कितनी है, 2.2, और क्लोरीन की कितनी है, 3.2, ठीक है। क्लोरीन की ज़्यादा ना इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन, तो जब हम इसकी क्लोरीन की ज़्यादा है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है इट इज़ मोर अट्रैक्टेड बाय क्लोरीन, क्लोरीन के लिए तरफ ये ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। जब ये क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है तो हम कहेंगे क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, प्रॉपर नेगेटिव चार्ज नहीं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। जब क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसके रिस्पेक्टिव जो हाइड्रोजन उसके साथ है उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो हम इधर पढ़ लेते हैं, क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये आपने देख लिया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रेटर फोर्स, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपने नज़दीक खींचेगा। पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज क्रिएटेड ऑन क्लोरीन एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज जनरेटेड ऑन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव को इंडिकेट करने के लिए हम जो साइन यूज़ करते हैं दैट इज़ डेल्टा, द डेल्टा साइन इंडिकेट पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अच्छा, हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करें पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव, और वैसे हम नेगेटिव और पॉजिटिव साइन उनमें क्या डिफरेंट है, किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन तब आता है, कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, जब वो एटम इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली निकाल देते हैं। जब कंप्लीटली निकाल देंगे तो पॉजिटिव, कोई एटम कंप्लीटली उसे अपने पास रख लेगा तो नेगेटिव। लेकिन इन केस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड क्या हो रहा है, दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, सिर्फ क्लोरीन ने अट्रैक्ट किया हुआ है अपने पास, टोटल अपने पास नहीं रख लिया,
उसने सिर्फ हाइड्रोजन से दूर किया और अपने नज़दीक कर लिया, इसलिए साइन आ रहा है पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट पोलर कंपाउंड, तो डेफिनेट जिनके ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा उनको हम क्या कहेंगे, पोलर कंपाउंड। कंपाउंड विच हैव पोलर कोवलेंट बॉन्ड इन इट इज कॉल्ड पोलर कंपाउंड। क्लास नाइन्थ की बुक पेज नंबर 64 पे पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस किया हुआ है। इधर लास्ट वाला पोर्शन हमारा रह गया, तो मैंने आपको भी बताया पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। ये सारे हेट्रो एटम्स हैं हमारे पास। ये सबसे पहले वाटर का स्ट्रक्चर आ गया H2O। ये देखिए दोनों H के पास पार्शियल पॉजिटिव साइन है और इधर पार्शियल नेगेटिव। इस तरह HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये भी हेट्रो एटम है, डिफरेंट है दोनों, तो इनमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड जिसकी मैं एग्जाम्पल आपको दे चुकी हूँ, ये भी क्या है, हेट्रो एटम्स हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और ये ऊपर साइन दिए गए हैं पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। अब आपको पता चल गया पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव हम क्यों लगाते हैं। तो बेसिकली अब लास्ट लाइन से जो बहुत इंपॉर्टेंट इधर दी हुई है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एलिमेंट इज मोर देन 1.7। अब बेसिक यहाँ पे फिगर क्या है, 1.7, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, MCQs में बहुत आती रहती है। अगर 1.7 से डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वो बॉन्ड होगा आयोनिक बॉन्ड, अगर 1.7 से डिफरेंस कम होगा तो वो बॉन्ड होगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। आपने ऊपर हाइड्रोजन क्लोराइड वाली एग्जाम्पल पढ़ी, इधर 2.2 है, इधर 3.2 है, जो आपको मैंने अभी रजिस्टर पे भी नोट डाउन करवाई है। अब इनमें अब जब डिफरेंस देखेंगे तो वो 1 का आएगा, 3.2 माइनस 2.2 तो डिफरेंस इज 1, तो इसमें ये 1.7 से कम है तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर कोई आप ऐसे आइटम जोड़ते हैं जिनमें आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जब करते हैं तो 1.7 से ज़्यादा आए तो वो बॉन्ड कौन सा होगा, आयोनिक बॉन्ड। तो ये यहाँ पे यहाँ से लेके आपकी बुक में इधर तक मेंशन किया हुआ है, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।